नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव झा, आप देख रहे हैं कैरी टेक्निकल। तो गाइस, आज जो है फिर एक न्यू खबर जो है सुनने के लिए मिली है, तो मैं सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। गाइस, जेप्पे जो है, जेप्पे जिसके ऊपर की एक्सचेंज जो कि इंडिया में बैन हो गई थी, जेप्पे जो है सिंगापुर शिफ्ट हो गई है और आप अब आसानी से इंडिया में बैठकर ट्रेडिंग कर पाएंगे और जेप्पे के थ्रू जो है आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये बात बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यदि आप विकिपीडिया पे जाकर चेक करते हो जेप्पे का पूरा हिस्ट्री, तो वहां पे आपको दिखता है कि वो ऑलरेडी पहले से ही सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस बात में कोई भी फेक नहीं है, बिल्कुल 100% प्योर और रियलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगापुर में पहले से ही जेप्पे का जो है हेड ऑफिस हुआ करती थी। ये चीज आप जाके जो है विकिपीडिया पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। फिर यदि किसी तरह की नई इंफॉर्मेशन रहती है बिटकॉइन से रिलेटेड, जेप्पे से रिलेटेड या फिर यूनिकॉर्न से रिलेटेड, किसी भी तरह से रिलेटेड, तो आपको पता है दोस्तों कि मैं अपने चैनल पे आपको सबसे पहले रखता हूँ अपडेट। जो कीजिए, मुस्कुराइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम।